This movie is encoded by Dr. Star. गहरे समंदर में भटकते हुए वास्को डा गामा के ये पुर्तगाली जहाज किसी नई मंजिल, किसी नए साहिल की तलाश में गोवा आ पहुंचे। यह जमीन एक स्वर्ग थी, दौलत और तिजारत का वो जरिया जिस पर पुर्तगालियों ने झंडा लहराकर अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। गुरूर और घमंड में डूबे हुए ये सिपाही जमीन के साथ गोवा के इन वासियों पे अपने मजहब की मोहर लगाने में मदहोश थे कि अचानक इस मदहोशी ने एक अनजानी करवट ली। इन्हीं का एक साथी गैस्पर जमीन का नहीं, मजहब का नहीं, दिल का सौदा कर बैठा। मछियारों की बस्ती में परवान चढ़ी, सागर की लहरों से खेलने वाली एक जिंदा कयामत पोला गैस्पर का दिल बन बैठी। गैस्पर ने बस एक नजर पोला को देखा, निगाहें चार हुई, खामोश वादे हुए और पोला की झील सी आंखों में गैस्पर का दिल डूबता चला गया। ये वो चिंगारी थी, वो शोला जिसमें ये प्यार भरे दिल तप कर रह गए। लेकिन जमाने को ये तपिश मंजूर न थी। गैस्पर परेशान था, एक तरफ पोला और दूसरी तरफ उसका मजहब, उसका ईमान। गैस्पर ने मजहबी रहनुमाओं के सामने यूं तो कसम खाई थी, अपने मजहब से वफादारी निभाने का ऐलान भी किया था और पादरी के सामने झुककर मुकद्दस किताब को अपने हाथों में लेकर चूमा भी था। लेकिन रात की तन्हाइयों में सागर किनारे बस्ती से दूर लाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़ते हुए गैस्पर का हर कदम पोला की मोहब्बत और पोला की हर धड़कन गैस्पर का दिल बनती चली गई। हां, ये मोहब्बत थी। लेकिन मोहब्बत की यह महक जब पोला के घर तक पहुंची तो एक तूफान आ गया और देखते ही देखते समाज का एक चांटा पोला के मासूम गालों पर मोहर बन गया। मगर मोहब्बत की रोशनी कम ना हो सकी, यहां तक कि एक रात सागर से लौटते हुए एक मछियारे ने इन परवानों को देख लिया और कयामत आ गई। आंखों में नफरत और हाथों में आग लिए बस्ती वाले लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। गैस्पर ने देखा कि अब वो चारों तरफ से इस तूफान से गिर चुके हैं। घबरा गए दोनों, परेशान हुआ गैस्पर। तूफान करीब आ चुका था। मोहब्बत में डूबे हुए इन दीवानों के पास अब दो ही रास्ते थे, मौत की गोद में एक अमर बंधन, वो मिलन जिसे कभी कोई ना मिटा सके, या फिर समाज के हाथों जिल्लत भरी जुदाई। गैस्पर ने पोला को देखा, पोला ने गैस्पर को। एक बार फिर निगाहों ने वादा किया, एक दूसरे का हाथ थामा और एक साथ दो प्यार भरे दिल मोहब्बत की बुलंदियों से सागर की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए समा गए। ये बेजान पुतले सदियों पुरानी मोहब्बत की निशानी है, दो प्रेमियों की, गैस्पर डायस और डोना पोला। ये एक ऐसी दास्तान है एक ऐसा इतिहास जो गोवा की बारिश की हर बूंद में जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा।
अब कैसी है? फिर वही हाल है, सोई नहीं। बुरे सपने? जी हमेशा की तरह। लीला तैयार हो? लीला क्या मेरा जाना जरूरी है? इंतजार मुझे पसंद नहीं। शाबाश। हेलो मेरे यार। हे, कैसे हो दोस्त? पहुंच गए ठीक ठाक? बिल्कुल। अच्छा किया आ गए। वेलकम टू गोवा। थैंक यू। इससे मिलो, यह है सैलरी। केंकी मंगेतर। मंगेतर तो यह किस्सा है, मुबारक हो। शुक्रिया। ये लो, घबराओ नहीं, ये है यहाँ की परंपरा। फूलों से मेहमानों का स्वागत होता है, खासकर उनका जो साथ लाते हैं विदेशी मुद्रा। चले। ये तुम गले में क्या डाले? बस यूं ही, वो कैसा लगता हूँ बोले? बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे कोई भैरूपिया है। मेरा ये दोस्त भाई किसी जमाने में अच्छा खासा आशिक था कॉलेज में। अरे छोड़ो भाई। तो ये नया रूप है आपका? ना ना, वो नहीं, मैं एक ग्रेजुएट सेमिनेरियन हूँ। और ये बात जनाब बिल्कुल टाल गए अपने पोस्ट कार्ड में। यार बस यूं समझो कि भूल गए, लेकिन इसी बहाने तुम गोवा तो आ गए। ऐसे तो 100 बार छुट्टी का प्रोग्राम बनाया और ये टालते रहे। आपने एक बार बुलाया तो बोले चलो। भाई इनको कैसे मना करते, न जाने ऐसा क्या है, पर यहाँ गोवा में एक बड़ी अजीब सी कशिश है। हम जो हैं यहाँ, ये वाला। तो फिर शादी कब है? अरे इतनी जल्दी क्या है? मुझे जल्दी क्या है, इन्हें कैसे समझाऊं? यार सुनो, नेवी ने मुझे जहाज पर ही रखा था पिछले 8 महीनों से, अब इतने दिनों बाद जमीन पे पांव रखा है। ऐसे हैं हमारे कप्तान, अब समझे मेरी मजबूरी। मुझे पूरी उम्मीद है कि गोवा तुम्हारी मजबूरियां दूर कर देगा। काश ऐसा हो। पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में गोवा पर अपनी हुकूमत कायम की। हिंदू ईसाई संस्कृति तब से ही जमीन पर घुली मिली रही है। ईसाई भी यहाँ हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यहाँ तो सब पुराना है। सो तो है, मगर यही तो इसकी खूबसूरती है। हाँ, लेकिन सैली को सब कुछ आधुनिक, सब नया पसंद है। वैसे आपको इंडिया से क्या लगाव है? मैं गोवा के प्राचीन गिरजाघरों के वास्तुशिल्प के विषय में एक किताब लिख रहा हूँ, एक इतिहास। और वो किताब तो खुद एक इतिहास बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ मेरी किताब और दूसरी तरफ मैडोना के 2 कन्फेशंस। ये सब क्या हो रहा है? अरे मैं तो ये बताना ही भूल गया, आप लोग बड़े खास दिन आए हैं। ये सेंट फ्रांसिस जेवियर का जुलूस है, हर 10 साल में एक बार निकलता है। इसी व्यक्ति तो अर्थी है। क्योंकि इसमें उनका बदन है। उनका बदन? सेंट जेवियर 400 साल पहले चीन में एक महान पादरी थे और उनकी मौत के बाद उनका बदन ला गया गोवा, और तब से ये शरीर ज्यों का त्यों सलामत है। तो ये बदन 400 साल का है? हाँ 400 साल। कई ईसाई सलामत शरीर को प्रमाण मानते हैं उस चमत्कार का कि शायद मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। क्या अजीब बात है ये, एक दफा मर गए तो मर ही गए। दोस्त है कोई? वो है फादर मेंडोजा, बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं उनके चर्च के साथ वाले कमरे में ही रहता हूँ, मकान मालिक हैं। समय पर किराया ना दूं तो मूर्तियों की सफाई करवाते हैं। तो ये परंपरा कितने सालों से चल रही है? करीब 300 साल से। कहते हैं उनका शरीर दिन ब दिन सिकुड़ रहा है और जिस दिन इसका कोई भी अंश नहीं बचेगा उस दिन कयामत आ जाएगी। मुस्कुराओ, ये तो सिर्फ एक वहम है।
एक अंध विश्वास। हो सकता है, जब तक तुम भारत में हो सैली यूं समझो कि ये सब विश्वास की बात है। मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। सूरज जगह है। देखा, तुम दोनों नहीं मानते थे ना मेरी बात। अरे अरे संभालो ये सूटकेस, इसको भी उल्टा मत होने दो। जी मैडम। थैंक यू। साली ऐसा क्या है उसमें? ब्राउन शुगर शायद। विटामिन्स। जो धूप में रह जाए तो खराब हो जाते हैं। और पानी साफ रखने की गोलियां। और अगर खत्म हो जाए पानी की बोतलें जो हम साथ लाए हैं, और वो फर्स्ट एड किट, वो एंटीबायोटिक्स, और क्या, हाँ वो इमरजेंसी में सांप काटे की दवा। केन को तो इन चीजों की फिक्र ही नहीं, इनका सफर प्लेन का टिकट लो और बस निकल पड़ो। और मैं नहीं भूला सनटैन लोशन। बहुत अच्छे, जरूर काम आएगा बारिश के मौसम। ये लो दोस्तों, जैसा वादा वैसा ही कॉटेज और सामने लहराता समंदर। खूबसूरत नजारे भी। बस यही रख दो। आपकी चाबियां सर। थैंक यू। जस्ट स्टे। बारिश होने लगी। कितना रोमांटिक है। रोमांटिक, अकलमंद को इशारा काफी। तुम दोनों सफर की थकान दूर करो, मैं फिर आऊंगा। ओके, थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया। वेरी स्पेशल। मुझे खुशी है तुम लोग आ गए। गुड नाइट। फिर मिलेंगे। क्या बात है। बिस्तर भी है। इसको तो खोले। एक नई खबर है। फौरन मिलो। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग ओलिविया। 7 बज गए, प्रार्थना कर ले। आई एम सॉरी फादर, आज तो पूजा है इंद्रदेव की। सही कहते हो। चलिए आपने माना तो। We'll be right back.
मिरांडा के साथ ये जो आदमी है उसका नाम है जफर अली। ये तस्वीर 3 दिन पहले दुबई में ली गई थी। बड़ी मछली है पाकिस्तान से। कभी ना कभी तो मछली जाल में फंसेगी ही। वैसे भी मिरांडा साझेदारी में बिजनेस फैला रहा है मिडिल ईस्ट, थाईलैंड और पाकिस्तान में। और गोवा में आया अब? बच के कहाँ जाएगा, शिप चला है दुबई से शनिवार सुबह 3:30 बजे। उसका जहाज यहाँ कब पहुँचेगा? 12:50 गोदी नंबर 30। वहीं पर घेर लेंगे। ये वाइसरॉय का दरवाजा 1599 में खूबसूरत और कीमती लाल और हरे पत्थरों से वाइसरॉय फ्रांसिस्को डा गामा ने बनवाया था। अपने दादा डे कारनामों का एक स्मारक, वो एक मशहूर जहाजी वास्को डा गामा जिसकी मूर्ति इन पत्थरों में खुदी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग इस कहानी में खो से गए हैं। अब जाग भी जाएं। ओके फ्रेंड्स, फौरन चलिए वापस बस में। हम सब देखेंगे मापसा का साप्ताहिक बाजार, कुछ शॉपिंग भी हो जाए। क्या ख्याल है? अब चलो, वीकेंड बस जा रही है। चलो। सॉरी। कब होगी मेरी? तुम पहली बार आई हो गोवा? हाँ, पहली बार। लेकिन वो नहीं, वो भी पहली बार आया है। नहीं, यहां पर आए हैं पहले। ये मिट्टी शादी की रेखा। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई शादी नहीं। तुम गलत हो, ये कैन है, मंगेतर है मेरा, वी आर एंगेज्ड। मन सोचे कुछ, ईश्वर करे कुछ। क्या? कोई शादी नहीं। ओ छोड़ो, इसके बने $10। क्या एकदम पागल हो, कुछ आता ही नहीं? पागल नहीं, ज्ञानी हूं मैं। हूं मैं एक जोगन। होने दो तो क्या हुआ, बेकार बकवास के पैसे नहीं दूंगी। ओके, वहां क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, इसके दाम दे दो साली। ये लो $10। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी है। जो देखा वही कहा। छोड़ो, ये सब इनके ठगने की तरकीब है। चलो। सर, जहाज में कुछ नहीं मिला। मुझे माल की रसीद दो। सर, जहाज का 2 टन वजन कम हो गया है जब निकला दुबई से। ये मालूम करो कहां पे शिप खाली हुआ। जी सर। परेशानी क्या है आईजे? ये शिप रशियन रजिस्ट्री का है, राइट? राइट। किराया दिया मिरांडा शिपिंग लाइन से। तुमने मछलियां 2000 किलो कहां फेंकी समंदर में? खा गए लोग, बहुत भूखे थे। राम सौदा। पहले किसी मरे पादरी का जुलूस और उसके साथ कोई बेकार भूली बिसरी यादें, ये सब के सब बकवास हैं। हर दूसरा आदमी अपने आप को मानता है बड़ा फिलोसोफर। अरे मौसम को देखो सैली, एंजॉय द रेन। शादी
शादी होगी ना मेरी तुमसे? तुम्हें क्या लगता है? वैसे ना करोगे तो मार दूंगी उसको। किसको? वो जोगन। लगी मेरी चूड़ियां? बहुत ही प्यारी हैं। दवा पी ले मैडम। थैंक यू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है मुझे। प्लीज मैडम, मिस्टर मिरांडा बहुत नाराज होंगे अगर मालूम हुआ दवा नहीं ली आपने। नहीं मालूम होगा, वो यहाँ आते ही कब हैं? जाओ। थकी हुई हूं मैं। अभी तो उससे कुछ और कह रही थी। ब्रायन प्लीज, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है।
जीसस। वो नहीं, सिर्फ मैं। उसे देखा? किसे? वो लड़की अभी निकली चर्च से। यहां तो कोई नहीं है, बस तुम हो। कहां है सैली? शायद सो रही है अभी। तुम ठीक तो हो? क्या कहूं यार, इरादा बदल रहा? मैं बहुत परेशान हूं। अजीब सा ख्वाब, वो औरत का चेहरा, हैरान हूं मैं। यार लगता है ये शादी के पहले की घबराहट है। कहीं उस औरत का चेहरा सगाई से मुकरने का बहाना तो नहीं? ऐसा है क्या? हो सकता है, अक्सर होता है जिंदगी में। गुड मॉर्निंग ओलिविया। गुड मॉर्निंग फादर। चले चर्च में प्रार्थना के समय? वेल फादर, आता जरूर, लेकिन मुझे अपने दोस्त के साथ जाना है वापस इसके होटल। कोई बहाना तो नहीं? नहीं, कोई बहाना नहीं। बड़ी खुशी हुई। थैंक यू फादर, मैं केन ब्लेक। तुम देखे से लगते हो। उस दिन प्रोसेशन में देखा होगा मुझे। तुम भी पहुंचे भक्ति में, ईश्वर की इच्छा है। थैंक यू फादर, शायद खींच लाया मेरा नसीब। आप देख सकते हो उस वक्त आईजी का चेहरा जब शिप में कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर, तुम्हें याद है वो किस्सा राजा दुष्यंत का? बिल्कुल, हर हिंदुस्तानी जानता है वो कहानी। कैसे राजा मिले रूपवती शकुंतला से जंगल में और दे दी अपने प्यार की निशानी, एक कीमती अंगूठी, ताकि जरूरत पड़े तो अंगूठी दिखाकर पहुंच सके मिलने अपने प्रेमी राजा दुष्यंत से उसके दरबार में। शकुंतला की अंगूठी नदी में गिर गई थी किसी ऋषि के श्राप से, और जब वो राजा से मिलने गई तो राजा उसे भूल गया था। इसी तरह आती रही अगर ये मछलियां मेरे दरबार में, ये अंगूठियां छुपाए अपने पेट में, तो मेरे इनामों में कभी कोई कमी नहीं होगी। और अगर ये आनी बंद हो गई तो मेरी याददाश्त भी चली जाएगी। समझदार को इशारा काफी। यस सर। कौन हरामजादा था पुलिस का मुखबिर? मुझे नहीं पता सर। बेहतर है मालूम करो। हनी, तैयार हो गए? मेरा पेट खराब है। क्या हुआ? हम तो खाने जा रहे थे सी फूड। मुझे भूख नहीं। हाय। गुड इवनिंग। लगता है आज रात का खाना कैंसल। केन्स नॉट फीलिंग वेल। क्यों, क्या हुआ? कहा मत चलो इंडिया, मगर सुना ही नहीं। केन, कोई बात नहीं, किसी और दिन चलेंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तुम दोनों जाओ घूम फिराओ, मैं आराम करूंगा। नहीं चलोगे? जाओ बाबा, मेरी फिक्र मत करो। तो फिर तुम लेट तो जाओ, आराम करो, मैं दवा देती हूँ। मेरे ख्याल से विटामिन सी ठीक रहेगी। हालत खराब है यार। ये लो। हम कहाँ होंगे? हमारी बुकिंग है सीशल में। कोई जरूरत हुई तो कॉल कर लेना। हाँ हाँ, कर दूंगा। वैसे भी हम जल्दी आ जाएंगे। जल्दी नहीं, आना आराम से। अच्छा ठीक है, तबीयत का ख्याल रखना। बाय। टैक्सी इधर, ले बाजू, गुड ऑटो, टॉप क्लास। मुझे जल्दी लाइट हाउस।
कैसी लगी ये जगह? आप कहां से हैं सर? अमेरिका। यू फ्रॉम अमेरिका सर? यस। आई लव अमेरिका मूवीज सर। थैंक यू। कोई स्टार को जानता है सर? नो। ब्रूज विलेज, टॉम क्रूज। अरे संभल के कैसा चलाता है? ये तो जानती हूँ मैं कि कुछ मर्दों के लिए वफा का वादा बहुत मुश्किल है। हाँ ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन केन के लिए? वैसे केन भी उन्हीं मर्दों में शामिल है। ये मेरा पॉइंट, तभी तो दोस्त दोस्त की सुनता है। तुम सही राय दोगी फर्क पड़ेगा। फर्क मेरे समझाने से? बिल्कुल, यही मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कहो, क्योंकि तुम उसके अच्छे खास दोस्त हो ना। घर बसाने की तुम्हारी ये इच्छा स्वाभाविक है। मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए, तुम पहले मर्द हो जिसने मुझे समझा। नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल में हमारी बिल्कुल नहीं नीति। वो क्यों? वो यूं, तुम हमेशा समझाती मैं क्या करूं, और मैं यही कहता कि मैं समझ गया, पर ऐसा कुछ न करता जो तुम चाहती। क्यों नहीं? इसलिए सैली कि मर्द को औरत के इशारे पे नाचना नापसंद है। मेरे ख्याल में उसे सही सलाह चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में उसे थोड़ा सा समय चाहिए, सब्र से काम लो। सर ये बुलेट, फ्रेंच कनेक्शन, सब फिल्म 20 बार देखा है सर। अच्छा, अपन ड्राइविंग में पिक्चर देखे सीखा सर? सीखा होगा, संभाल के। कुछ म्यूजिक है? यस सर, आपको सुनाता हूँ मैं, इंडियन माइकल जैक्सन सर। ओके। रेमो फर्नांडिस बहुत मशहूर है सर, आप उनका गोवा कहीं चे सर। जानती हो मैं इंडिया में पिछले 6 महीनों से हूँ, और इसने मुझे सदा के लिए बदल दिया है। चाहे लोग कितने ही गरीब क्यों ना हो, उनमें एक स्वाभिमान है जो मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखा। सारी दुनिया घुमा हूं मैं, इस देश ने बहुत कुछ सिखाया है, मगर एक सबक ऐसा है जो सबसे अनमोल है। वो क्या है? धीरज। समय पर भरोसा रखो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है वक्त के साथ। ये बातें हम विदेशियों की समझ से बाहर हैं, क्योंकि अमेरिकन्स के पास रुकने का वक्त नहीं। सर नहीं नहीं और नहीं, बहुत हो गया। लेकिन आप दोनों के लिए मिस्टर मिरा माफी चाहूंगा पादरी, मगर नामुमकिन था नजरअंदाज करना ऐसे खूबसूरत हुस्न को। आप अमेरिकन हैं? यस। गुस्ताखी ना समझे, मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? ये मेरी खुशी है। एक्सक्यूज मी। बेहद खूबसूरत जगह है सर, मगर वेरी सैड प्रेम कहानी। आह मॉनसून। एब्राला सर? यस, थैंक यू। प्लीज रुको थोड़ी देर। यस सर। मैं अभी आता हूँ वापस।
इंतजार किया? कोई बात नहीं, मेरा इंतजार तो सदियों से है। मेरा वो दोस्त कहता तुम बड़े आदमी हो। अरे नहीं नहीं, सिर्फ एक बिजनेसमैन। और वहां उस परेड में तुम ग्रैंड मार्शल थे? यूं ही दान दक्षिणा करता रहता हूँ चर्च में। सच? दयावान हैं आप। और जो औरत थी तुम्हारे साथ वो? कोई खास नहीं, सिर्फ मेरी बीवी थी। तुम्हें भाग्य पे विश्वास है मिस ब्लेक? केनेथ ब्लेक। और तुम्हारा नाम? लीला। तुम्हारी कलाई पे चोट? होता है जब जंजीरें टूटती हैं। जंजीरें? छोड़िए, यूं ही कुछ चूड़ियां टूट गई थी। वही जो तुमने उस दिन बाजार से ली थी? तुमने देखा? देखता कैसे नहीं, क्योंकि क्योंकि तुम बहुत ही हसीन हो। शुक्रिया। और ये चेहरा, ये चेहरा पहचाना सा लगता है। लगता है अब मुझे भाग्य पे भरोसा होने लग गया है। अब तुम जाओ। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। तुम फिर मिलोगी ना? हाँ, कल पुराने किले पर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू पादरी। ऐसी अप्सरा तो मेनका बनके किसी भी विश्वामित्र की तपस्या भंग कर सकती है ना? तुम इस शहर में नहीं हो। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी, मुझे याद करना सैली। थैंक यू। नजर रखो पादरी पर। सर। चलो। सर, 50 मेरा भाड़े का है। ये लो। सर, 50 और। क्या? 50 मेरा छतरी का सर। अच्छा यार, ले लो। इजी, आराम से संभाल के। वेरी गुड। संभाल के सीढ़ी। तुम्हें पता है ओलिविया? वो क्या है सैली? मिस्टर मिरांडा ने कहा मैं खूबसूरत हूँ। ठीक कहा था। किंतु तो मुझे खूबसूरत नहीं कहता। हाँ बाबा हाँ, मैं उससे कहूंगा। कहे कहोगे ना? कैन हाय, इसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। गीले कैसे हो गए? नहा के आया हूं। सचमुच? मोजे उतार देते तो बेहतर होता। वो ठीक है, कल मिलेंगे। फादर, मैंने देखा है उसे। किसे? गैस्पर, जिसकी तस्वीर है चर्च में। इसीलिए वो अमेरिकन लगा पहचाना सा। उसे देखा है आपने? हाँ, कल वही तो था चर्च के अंदर। फादर, वही आदमी आता है मेरे सपनों में। ये ना भूलो, तुम्हारी ब्रांच से शादी हुई इसी चर्च में, और यही तुम्हें हमेशा याद रहे।
ये कैसी शादी है, ढकोसला है ये। हम तो साथ रहते भी नहीं, मैं अपने घर में ही कैद हूँ जैसे कोई बेबस पागल खाने में। छोड़ दो इस ख्वाब को, ये नादानी है, समझी? यही कहा गया था बेचारी मीरा से, थी तो वह राणा की पत्नी मगर उसका प्यार रहा था उसका कृष्ण। ये सब अच्छा और ठीक था हिंदू मर्यादा में, मगर चर्च नहीं सिखाता पुनर्जन्म। तो क्या रहे मायने प्यार की? जो सुनी हुई है उस कैस्पर पॉल की कहानी छुटपन से, वही तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हारे मन ने मान लिया है कि तुम ही पॉला थी पिछले जीवन में। अगर ये सही है फादर, तो उसकी शक्ल कैसे मिलती है तस्वीर से? तो ये है वो। रंजीत सिंह, वो लोग चल चुके हैं। 20 मिनट, कहाँ मिलना है? 20 मिनट, झुरमुट में। ओके। जानते हो कौन है ये दरिंदा? मिरांडा से मिलने आ रहा है। कोलंबियन, हमें पता था। लगता है चीटी के पर निकल आए। उसे इनाम में कुछ तो मिलता होगा, मगर सवाल ये है कौन पता देता है हमारे छापे का? सवाल तो वाजिब है और जवाब यह है कि आपके डिपार्टमेंट में ही कोई गद्दार है। पता करना होगा। देख रहे हो, यही मिलने आती थी वो प्यार में पागल। यहाँ था तुम्हारा कमरा, आंगन परदेसी सेलर का, 6,000 मील दूर अपने मुल्क से। इंतजार सिर्फ तुम्हारा, सुबह और शाम इन वादियों में, और फिर ये वादियां उनके प्यार में डूब जाती थी दूर दूर तक। से बगावत की, उसने अपने पूरे गांव से, उन्हें कोई भी अलग ना कर सका। कोई नहीं, अब क्या होगा? मेरी तो सगाई। मैं बिहाता, मगर पॉला और कैस्पर जुदा नहीं हो सकते।
Ken? Ken? तो सुनिए हमारा प्लान। फरमाइए। वेल जेंटलमैन, हमारे प्लान की बुनियाद है समुद्र की ये खास जगह। यहाँ 36 डिग्री उत्तर में हमारा जहाज सारा माल 12,000 फीट गहरे पानी में डाल देगा, जबकि हकीकत में वहां की गहराई है सिर्फ 200 फीट। ऐसा धोखा हालांकि हमारे टग बोट्स वहां नहीं जाते जहां टैंकर्स हैं, मगर किसी भी रात में हम माल उठा सकते हैं आसानी से कोई शोर शराबा किए बिना। और माल को बड़ी सावधानी से उतार दिया जाता है इन्हीं तीन पॉइंट्स पर, चपोरा फोर्ट, डोनापाला बीच और केप रामा, सिर्फ 20 किलोमीटर के अंदर। बस लीजिए। तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है मेरे दोस्त। गोवा जरूर बनेगा किसी दिन दूसरा बगोता। क्यों नहीं मिस्टर कोटेजा, हम दोनों का इतिहास एक है। पुर्तगाली आपके देश में भी उसी समय आए थे जब हमारे मुल्क में। एक्सक्यूज मी, या ठीक है जेंटलमैन, मीटिंग अब बर्खास्त होती है। वो शुभ घड़ी जिसका मुझे इंतजार था अब आ गई है। मैं चाहूंगा कि ऐसे शुभ अवसर पर आप भी मेरे साथ शामिल हों। क्योंकि हमारी परंपराएं एक हैं, मैं बहुत खुश हूं कि आप यहां पर हैं मेरे पुरखों की पुण्यतिथि पर। ये मेरा सौभाग्य है। सर्वमंगल मांगल्ये शिव सरासाधिके चरणदंबिके गौरी नारायणस्वे शरणागतिनाथ परित्राणपरायणे सत्यादेवी नारायणस्वे सर्वस्वरूपे सर्वशे सर्वशक्ति समन्विते वैभवस्त्रायण देवी दुर्गे शरणागतिनक्षते त्राणपरायणे शेषान पहुँचे विष्टारुषद गामन सकाय शांतावशदानवे पर्णनाम सावशदाचताम प्रयान्ति सर्वबाधा प्रश्नान्ते लोके सर्वेश्वरी हे भूमिद्वाकार्य वसल हे विनाशम हे मेरे पूर्वज पेशे से जल्लाद थे कर्नल अल्बुकर्की के दरबार में। ये अनमोल पुरानी तलवार पुश्तों दर पुश्तों से हमारी खानदानी धरोहर है। मिस्टर कोटेजा, गरीबी में पला हूं मैं। 10 साल का था, मां ने पिता से कहा तलवार बेचो रोटी खरीद लो। जानते हो मेरे पिता ने क्या कहा? नहीं, ये हमारा स्वाभिमान है। एक मामूली तोहफा दोस्त को दोस्त से। थैंक यू माय फ्रेंड। मछली रे धरती पर क्यों मछली रे।
तुम्हारे मेहमान नवाजी। ब्रदर ये तो सिर्फ एक शुरुआत है कोटिजा, तुम अपना लो गोवा को, गोवा तुम्हें अपना लेगा। समय पादरी को हलाल करने का। कौन? मैं हूं केन। इस वक्त क्या बात है, सब ठीक तो है? फाइन थैंक यू। सोए तो नहीं थे? नहीं नहीं, अंदर तो आओ। हाँ। तुम कुछ पियोगे? नहीं कुछ नहीं, शुक्रिया। अच्छी खासी प्यारी जगह है भाई, बाकायदा कंप्यूटर वगैरह, क्या बात है? बताओ माजरा क्या है? बताया था ना वो चर्च वाली लड़की, हम दोनों साथ थे। पता है शैली को? उसे नहीं पता। कौन है वो? यार वो बहुत खूबसूरत है, ऐसा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। कहती है हम दोनों युगों से प्रेमी रहे हैं। सच्ची? सच्ची। तो उसका इस जन्म में कोई नाम है? लीला मिरांडा। मिरांडा? ओह माय गॉड, नहीं केन, तुम्हें नहीं मालूम तुम किस आग से खेल रहे हो। अब जो भी हो केन, वो किसी की बीवी है। जानता हूं, ऐसे में वो तलाक ले सकती है? नहीं ले सकती वो तलाक, नहीं। जानते हो उसका पति कौन है? इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर, गोवा का खतरनाक माफिया। तुम्हें किसने बताया? ये एक छोटा शहर है, चार दिन रहोगे तो न चाहते हुए भी तुम सब कुछ जान जाओगे। इतना ही जानता हूं आई लव हर। बड़ी खुशी की बात है, मगर गौर करके देखो, संभव है कि वो अपने दुखी वैवाहिक जीवन से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हो। केन जरा सोचो। कहां थे तुम? ओह तुम उठ गई, जगाना नहीं चाहता था तुम्हें। कहाँ गए थे? घर गया था ओलिविया के। लगता है उसकी कंपनी ज्यादा पसंद है मुझसे। छोड़ो भी सैली, 10 साल में नहीं देखा है मैंने उसे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा उसे जाके मिलाऊं। अब तबीयत ठीक है मेरी। I'm
सॉरी सैली, मैं थक गया हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। आप कैसे हैं फादर? ठीक हूं ब्रायन, देखा नहीं तुम्हें बहुत दिनों से। दौड़ भाग में वक्त कहां, भगवान को तो ना भूलो। खैर लीला कैसी है? कोई फर्क नहीं देखा फादर, मैंने एक फुल टाइम नर्स रखी है, उसने बताया लीला अक्सर आपसे मिलने आती है। मशवरा देता हूं भाई। जानता हूं फादर, और ये आपकी कृपा है। मैं समझता हूं बहुत व्यस्त रहते होंगे आप इस चर्च में। क्या कोई नया पादरी आया है इन दिनों? नो, यूं ही एक सेमिनेरियन लिख रहा है कुछ। एक अमेरिकन? हाँ, ओलिविया है। अच्छा आदमी है, मिला था उस दिन मुझे रेस्टोरेंट में। यहीं रहता है? बस यहीं, उस कमरे में। क्या उसे मिलना है तुम्हें? जी नहीं, फिर किसी दिन। आई हैव अ मीटिंग। आखिर वो चला गया है ना? नहीं, गया नहीं। मगर तुम हर जगह क्यों आ जाती हो? हाँ, मैं हूं बंजारन, एक स्थान नहीं है मेरा जहाँ भी पैसा मिले। हाँ यही सही, लेकिन एक मुफ्त का मशवरा देती हूँ। तुम मत रोको उसको, तुम्हारा मकसद उसे यहाँ लाना था और कुछ भी नहीं। सुनो, नहीं चाहिए ये राय, सताओ मत मुझे। ओके, ये है कर्म, इसकी चेतावनी सुनो, बाद में कुछ नहीं होगा। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि इस जन्म में हम कभी जुदा ना हों। जरा संभाल के। तुम शायद नहीं जानते, मैंने बचपन से लाइट हाउस में बैठकर अपने अतीत की झलकियां देखी हैं। मेरे पिता ने इलाज किया काफी मेरी इस दीवानगी का, ये सोच के कि मैं पागल हूं। लेकिन ये झलकियां पड़ती ही गई। पागलपन की अफवाहों से मेरी शादी मुश्किल हो गई। मेरे पिता की दौलत ही थी जो मेरे लिए कोई वर खरीद सकती थी। उनकी जिद थी कि मेरी शादी हो जाए उनकी मौत से पहले। इकलौती वारिस थी मैं उनकी जायदाद की। प्लीज जूते उतारिए। अच्छा, मिलते ही निगाहें पहली बार मुझे मालूम हो गया कि मेरा महबूब लौट आया है। मुझे ले जाने, तुम ले जाओगे ना? मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों, क्या हुआ? इसमें कोई चाल है तुम्हारी? क्या मेरा इस्तेमाल कर रही हो पति से छुटकारे के लिए? ये क्या कह रहे हो तुम? सच कहो, बताओ। क्या तुम पागल समझते हो औरों की तरह? Ты думаешь, я сумасшедшая? Нет, я так не думаю. I'm sorry. यहाँ तो विश्वास है तुम सबको, मानते हो बचपन से
पिता जन्म की बातों को, वो सच है तुम्हारे लिए जैसे ये बहती नदी, मगर मैं तो यहाँ का नहीं। मगर तुम ही हो गैस्पर, फिर ये इनकार क्यों? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता? होता है। और फिर भी नहीं मानूं, क्या मानूं और क्या ना मानूं? अगर ऐसा है तो आओ कुछ दिखाती हूं तुम्हें। आपकी छुट्टियां अच्छी गुजर रही हैं मैम। जी नहीं, आई हेट इंडिया। सुनकर अफसोस हुआ मैम। जानते क्यों? जोकन। गुड इवनिंग फादर। इवनिंग। आज तुम्हें देखनी है ना वो पेंटिंग, आओ। इसको बनाया था यहीं के एक पादरी ने, और इसीलिए ये अमानत है चर्च की। ये पेंटिंग कब बनी थी? कहते हैं सन 1533। तब से इसे कई बार सवारा गया है। और फैनी, वाह देखो तो कौन आया, मेरा खोया हुआ मंगेतर। उसने कहा तुम जा चुके हो। किसने? वो जोगन। बस भी करो सैली। पता है मैं भी जोगन हूँ। सैली इसमें क्या बड़ी बात है, भविष्य देख सकती हूँ। तुम जानती हो तुम्हारे भविष्य में क्या है? होने वाली एक जबरदस्त लड़ाई। अब चलो यहाँ से। मुझे हाथ मत लगाओ कमीने, छोड़ दो मुझे। Oh my God! Oh my God! Oh Lord! Oh God! Olivia! Oh my God! Oh Lord! इसकी आत्मा को शांति दो, इसे शांति प्रदान करो ओ ऊपर वाले। In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit। चले गए वो लोग, हैं? क्या ये मरने की एक्टिंग थी? हाँ, वो चले गए। फादर, एक कन्फेशन है मेरा। मुझे वापस घर जाना है, निकलना है यहां से। ठीक है, ले जाऊंगा तुम्हें एयरपोर्ट कल सुबह। क्या साथ चलोगे तुम? ना, मैं नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। कोई मिल गया है ना? कोई मिल गया है और तुम उसी के पास थे, ऐसा धोखा क्यों दिया तुमने? I'm sorry. अब मैं क्या कहूंगी दुनिया को? सच बता देना,
हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। कौन है वो? कोई मकसद नहीं। क्या करोगी जानकर? क्या है उसका नाम? क्या है उसका नाम? लीला, लीला मिरांडा। लीला मिरांडा? लीला मिरांडा? हंसते क्यों हो? जानते हो किसकी पत्नी है वो? मॉनसून की बदौलत एक ब्रिज टूट गया है केप रामा में सर। तो अब कहां उतरवाएंगे कोर्टेज़ा का माल? उसको बोलो कि डोना पाला आ जाए कल रात। मिरांडा है सर, काम हो गया। That's good. पादरी पहुंच गया स्वर्ग लोक। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। एक्सक्यूज मी सर, एक गोरी औरत आपसे मिलने आई है। कौन है वो? ओहो, आप हैं। साली स्टीवंस होटल में मिले थे। देखिए आपका कार्ड। ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकता हूं, लाजवाब हुस्न पादरी के साथ। क्या पीना चाहेंगी आप? तेज नशा हो जिसमें। जैसा आप चाहें। क्या अकेले में बात कर सकते हैं? अकेले ही तो हैं। प्लीज बेझिझक कहें। ओ, पुतले हैं ये सब मिट्टी के, इनकी परवाह ना करें, ये कुछ सुनते या कहते नहीं। तो ठीक है मिस्टर मिरांडा, आपकी बीवी इश्क कर रही है मेरे मंगेतर से। सोचा आपको बता दूं। मेरी बीवी? जी हां। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हां, वो और केन मिलते रहते हैं, ना जाने क्या हो रहा है। बहुत बुरी खबर लाई हो तुम। आप अपनी बीवी को संभालें, मैं आई थी यहां केन के साथ और उसके बगैर नहीं लौटूंगी। ऐसा ही होगा, ये मेरी गारंटी है। अब इस मामले में क्या करना है ये आप मुझ पे छोड़ दें। बड़ा एहसान होगा। थैंक्स। सुनिए, वापस कैसे जाएंगी आप? मैं टैक्सी ले लूंगी। नहीं नहीं, मेरे आदमी आपको होटल तक छोड़ देंगे। शुक्रिया। ले जाना शॉर्टकट से। वो पीछे रह गया मेरा होटल। तुम जा कहां रहे हो? अरे पकड़ो 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 ताली को। अरे 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 अ
बस फोन दो लीला को। मैडम तो बाहर गई हैं मिस्टर मिरांडा। जानती हो कहाँ? नहीं सर, बताया नहीं मुझे। वो जरूर मिलने गई होगी अपने आशिक से। करने कन्फेशन? नहीं फादर, एक औरत को ढूंढ रहे हैं हम। तुम लोग गलत जगह आ पहुंचे। अरे नहीं, हम तो उस तरफ। थैंक यू फादर। तूफान करीब आ रहा है गैस्पर, संभल जाओ। क्या? ये मौसम भी खतरनाक है, पौला को बचा लो। कहाँ है वो? वो हाथ नहीं आई सर। सब तरफ घेरा डाल दो, हर रोड, बस स्टॉप, ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट, वो भागने ना पाए। हर आदमी को काम पे लगा दो। मिस्टर मिरांडा, कल शाम को तो मिस्टर कॉर्टेजा का माल उतारना है डोना पौला पे। हमें हमारे सारे आदमियों की जरूरत पड़ेगी। परवाह नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल है। सैली, 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 जल्दी से बात कराओ पुलिस से। ऑलराइट बॉयज, कम ऑन।
ब्रायन। वो हमारे हाथ आ गया सर। गुड, साढ़े दो साले को जेल में। देखो संभल के, यहां तुमसे कोई आया मिलने। नीला, ओलिविया। हेलो, तुम्हारे बारे में बताया था मुझे। जी हाँ, आई एम सॉरी तुम पे शक किया। कहाँ है केन? वो बुरी तरह फंस गया है। क्या बात हुई? सैली को मार दिया गया है और केन उस इल्जाम में गिरफ्तार है। मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारे पति की कोई गहरी साजिश है। ओह माय गॉड, हमें मार देगा वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पर पहला वार हम करेंगे। मिसेस मिरांडा, इनको बड़ी गंभीर दिमागी बीमारी है कई सालों से। कुछ खास दवाइयों के जरिए ही संभाली जा सकती है इनकी कंडीशन, इसलिए अगर जल्दी ना मिली तो हम। एक्सक्यूज मी, डिसूजा फौरन आइए इसी वक्त मेरे दफ्तर में। जी अभी हाजिर हुआ सर। तो आपको मुझसे किस बारे में पूछना है सर? मौत के बाद जीवन। इंस्पेक्टर डिसूजा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मिस्टर ब्लेक, आपसे मिलने कोई आया है। अरे क्या हाल हो गया है, ठीक तो? निकालो मुझे यहां से। केन, सैली के कातिल का पता हमें लग। मैं बेकसूर हूं। जानता हूं, मुझे मालूम है। लीला, क्या उसे खतरा है? हाँ है, वो चर्च में छुपी है। तो अब क्या होगा? मेरा एक प्लान है। ब्रायन, अमेरिकन आ गया बाहर। कैसे? आपकी पत्नी ने जमानत दे दी, पुलिस को छोड़ना ही पड़ा। कहाँ हैं वो दोनों? डोना पोला। वो दोनों जहाज से भाग रहे हैं आज रात। आगे मैं संभाल लूंगा। अच्छा, तो ये खेल है कर्मों का। क्यों जान ली सैली की? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? इतिहास गवाह है, प्राचीन ग्रीक और रोमन मार देते थे बुरी खबर लाने वाले को। मैंने सिर्फ प्रथा निभाई है। जिंदगी भर तुम सड़ते यहाँ की जेल में सैली के कत्ल के इल्जाम में, मगर इस औरत ने सब बिगाड़ दिया। जैसा कि टूर गाइड बताते हैं, यही वो जगह है जहां पोला और गैस्पर मौत के हाथों मिट गए 500 साल पहले। वेल मिस्टर ब्लेक, इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। ये मेरे आत्मसम्मान का सवाल है। रॉबिन, मिरांडा, मैं कहता हूं रुक जाओ। स्टॉप।
दोस्त मिरांडा खतरे में है। समंदर में मुझे उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन तलाश किसी हाल में बंद नहीं होगी। वो लोग वहां हैं, थोड़ा नीचे लो। ए, चमत्कारों में विश्वास होने लगा है। कि यही परंपरा है।
This movie is encoded by Dr. Star.